आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन अर्थशास्त्र में अपना कोर्स पूरा हो गया है बेटा। अब अपन कुछ प्रश्नों का परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को हल करें। आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा कि ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर के आएंगे, आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के भी प्रश्न इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको 70% कोर्स से ही आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो बच्चों अर्थशास्त्र क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक है। कहकर स्पष्ट कीजिए। इसके अनुसार या एक प्रश्न और पूछा जाए बेटा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कैसे परस्पर निर्भर है। पूरक और परस्पर निर्भर ये एक ही बात है। तो आपको जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप लिखोगे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में दोनों की भिन्न भिन्न शाखा, तो अध्ययन के लिए दो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, इनका क्षेत्र भी अलग है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहां पर कीमतें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में आय और आय की धारणा पर महत्वपूर्ण समझी जाती है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतियोगी ना होकर परस्पर पूरक है। मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है और व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह एक दूसरे के पूरक है, और मतलब ये परस्पर पूरक और सहयोगी है। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे की सीमाओं और विश्लेषण का भी क्या करते हैं, जो उनकी सीमाएं हैं और विश्लेषण संबंधी जो भी कठिनाइयों का समाधान करते हैं, और दोनों का ही विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास है वह एक दूसरे पर क्या है, निर्भर करता है। वागनर ने एक परिभाषा दी है बेटा, इसमें लिखा है कि यद्यपि समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं है, इन दोनों अर्थशास्त्र के बीच में कोई सुनिश्चित रेखा नहीं है, और यह ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए व्यष्टिगत समस्याओं का हल समष्टिगत उपकरणों की सहायता के साथ, समष्टिगत समस्याएं का भी हल व्यष्टिगत उपकरणों की ओर सहायता से निकाला जाना चाहिए। इसी प्रकार सैमुएल्स ने एक परिभाषा दी है बेटा। तो सैमुएल्स ने कहा है कि वास्तव में सूक्ष्म और व्यापक व्यापक अर्थशास्त्र में विरोध नहीं है। तब जो सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र है दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं तो दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं, तो केवल यह एक अर्ध शिक्षित है। मतलब आप अगर एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते हैं तो ये अभिन्न अभिज्ञान है, और केवल आप कैसे हैं, अर्ध शिक्षित हैं। तो ये छोटा सा एक प्रश्न है आपको परीक्षा की दृष्टि से। दृष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक है, इस तत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा दृष्टि और समष्टि अर्थात एक दूसरे पर क्या है, परस्पर निर्भर है, समझाइए। तो ये आपको एक प्रश्न हो गया बेटा। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र की 4 महत्व लिखिए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके 4 नंबर का प्रश्न है बेटा। अगर पूछा जाए समष्टि अर्थशास्त्र की 2 विशेषताएं लिखो तो आप 2 भी लिख सकते हो, 3 पूछ जाए 3, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की 4 महत्व लिखिए। तो यह अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली के लिए क्या है, समझने में सहायक होता है। दूसरा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विकल्प में भी सहायक होता है, और आर्थिक नीति के निर्धारण में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और विकास नियोजन में ये सहायक होते हैं। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली कैसी है, अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता को समझने के लिए समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन आवश्यक है, परंतु व्यक्तिगत आर्थिक चर और आर्थिक प्रणाली कैसे होते हैं, छोटे छोटे अंगों को चित्रित करते हैं। अधिकांश देशों में कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य और भुगतान संतुलन से संबंधित होती है। और कार्य प्रणाली भी कैसी होती है समष्टि अर्थशास्त्र की, इसको समझना असंभव।
फिर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विकास के लिए व्यक्तिगत समस्याओं के लिए विश्लेषण हेतु बृहत अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। जैसे किसी विशेष उद्योग बताओ आपने कोई विशेष उद्योग लगाया उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में प्रचलित समान मजदूरी का स्तर प्रभावित होता है और ये बृहत आर्थिक विश्लेषण की सहायता में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विकास संभव है। फिर तीसरा है बेटा आर्थिक नीति का निर्धारण। तो आजकल सरकार सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त नीतियों का निर्धारण करने के लिए उनको उपाय को अपनाती है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के संबंध में व्यक्तिगत इकाइयों से ना होकर सामूहिक इकाइयों से होता है। मतलब जो सरकार की नीतियां हैं वह व्यक्तिगत नहीं होती, वे कैसी होती है सामूहिक नीतियों और इकाइयों पर अध्ययन करने के लिए। फिर चौथा है विकास नियोजन में सहायक। तो जो सूक्ष्म समष्टि अर्थशास्त्र है इसके नियोजन में क्या है विकास के लिए भी कैसी है सहायक है। तो विकास नियोजन में वर्तमान युग में सर्वाधिक उपयोगी है यह पद्धति और अल्पविकसित देशों के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी विकास नियोजन अत्यधिक आवश्यक है। समष्टिगत अवधारणाओं के आधार पर भी नियोजन अधिकारियों ने मतलब देश में जो वर्तमान में संभवतः साधनों के संबंध में महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको एकत्रित किए जाते हैं और साधनों को विभिन्न प्रयोगों के बीच उसको क्या किया जाता है वितरण किया जाता है और उनको परियोजनाओं का मूल्यांकन भी समष्टि मूलक ही होता है। मतलब जो विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं सरकार चलाती है उनके विकास परियोजनाओं में भी यह मूल्यांकन क्या होते हैं मूल्यांकन के लिए क्या है समष्टि मूलक ही होता है। फिर इसके बाद बेटा समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, तो ये संरचना के भांति होती है। तो इसकी समष्टि आर्थिक विश्लेषण में संरचना की भांति रहती है। कुल आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत क्रियाओं का कुल जोड़, परंतु यह अनिवार्य नहीं होता कि व्यक्ति के लिए सत्य है या अर्थव्यवस्था के लिए। फिर है व्यक्तिगत अंतरों की अवेदना। तो व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अंतरों की क्या की जाती है अवेदना करता है और सामान्य कीमत और स्थिर रहने के लिए इन्हें खाद्यान्नों का भी क्या करता है खाद्यान्नों में भी वृद्धि करता है और निर्धन लोगों की कठिनाई उत्पन्न कर सकती है और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर्गत समग्रों का विवेचन करते समय घटकों की बनावट प्राकृतिक ढांचे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए ये समूहों में क्या होते हैं परस्पर करने के बिना बोल्डिंग के अनुसार समूह बनाने के इस तत्व को बोल्डिंग ने बताया व्यक्त किया है कि समूह बनाने वाले तत्व इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जिसमें संबंध ही ना हो। जैसे 6 सेव 7 सेव = 13 तो सेव एक सार्थक समूह हुआ मतलब 6 सेव और 7 संतरे तो ये 13 फल हो गए। तो कुछ सीमा तक यह सार्थक है परंतु 6 और 7 पकानों का समूह निश्चित निरर्थक समूह है। इसी प्रकार निरर्थक समूह के आधार पर अध्ययन नहीं किया जाए तो निष्कर्ष निश्चित ही अशुद्ध भ्रमक निकलेंगे। फिर है समग्र में सम्मिलित इकाइयों को भार देने में कठिनाई। तो जो समग्र व औसत में होते हैं उन सम्मिलित विभिन्न इकाइयों का व्यवहारिक महत्व समान नहीं होता। इसमें किसी का भी महत्व कम किसी का अधिक हो सकता है। यदि हम सभी सामान्य को महत्व देते हैं तो हमारे निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे मतलब अपन जो भी समग्र के औसत हैं इकाइयों का व्यवहारिक महत्व समान नहीं होता। किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम और हम सामान्य महत्व दे तो हमारे निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। उसके बाद है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को समझाइए। तो ये प्रश्न बेटा आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं इसके लिए उत्पन्न मानव की आवश्यकताएं कैसी होती है असीमित होती है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में सबसे पहले मानव की आवश्यकता कैसी है असीमित है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए हमें
साधन सीमित है और दूसरे शब्दों में अधिकार है कि यदि मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी है, असीमित है। इसलिए उसे निर्णय लेना होगा कि वह किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा और उसी के अनुसार वह वस्तु और सेवाओं का क्या करेगा, चयन करेगा, और इसका उत्पादन भी क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था में किया जाएगा। अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या आधारभूत है, तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें चयन की समस्या है, क्या उत्पादन है, मतलब ये वस्तु भी अगर उत्पादन हो तो मानव की आवश्यकता के अनुसार हो। और साधन कैसे होते हैं, सीमित होने के कारण उत्पादकों को उन्हें बहुत किफायत के साथ उपयोग करना होता है, और इसका व्यवहार अर्थशास्त्री साधनों के उपयोग मितव्ययता का नाम देते हैं। साधनों में मितव्ययता का उपयोग के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब उत्पादक साधनों के अनुसार वस्तु विशेष के उत्पादन में लगाता है, मतलब कोई भी वस्तु विशेष जो उत्पादक है साधनों को और वस्तु विशेष के उत्पादन में क्या करता है, उसे लगाता है, तो उसके लिए उन साधनों का दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग कर पाना कैसा होता है, संभव नहीं होता, और उत्पादक को आवंटन से संबंधी व्यवहार का चयन कक्ष होता है, मतलब जो आवंटन होता है उससे संबंधी व्यवहारों का भी क्या करना पड़ता है, चयन पक्ष होता है। तो साधनों की सीमितता में उत्पादन मूल आर्थिक समस्याएं हैं, अर्थशास्त्रियों ने चयन की समस्या कहा है, जो आपको बता दूं कि उत्पादन से संबंध चयन करने के लिए उनके लिए भी क्या है, एक समस्या है। तो जो सीमितता के उत्पादन में मूल आर्थिक समस्या है अर्थशास्त्रियों की, वह क्या है, चयन की समस्या, वो चयन नहीं कर पाते कि उसका उत्पादन कैसे करें। दरअसल अर्थव्यवस्था की उन केंद्रीय समस्याओं की तह होती है, तो अर्थव्यवस्था में कई केंद्रीय समस्या, सबसे पहले उत्पादन, और जो अर्थशास्त्री में चयन नहीं कर पाते उत्पादन कैसे, और जो उत्पादन हमें कैसे करना है, सीमित साधनों के अंतर्गत करना है। फिर है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये मील मतलब जो मूल बिंदु के प्रति नतो दर होती है। फिर उत्पादन संभावना वक्र कैसे होते हैं, बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। जब कोई अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता तो उसका उपयोग अधिकतम कैसा होता है, सत्ता के साथ नहीं हो पाते, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किसी बिंदु पर प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है, यदि अर्थव्यवस्था में अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में सफल हो तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा, दाईं ओर से ऊपर की ओर उठता होगा। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता कैसी होगी, वृद्धि वाली होगी, और वृद्धि करने में उसको मतलब उत्पादन क्षमता को वृद्धि करने में अगर अपन सफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वक्र दाईं ओर से ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। तो ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बेटा छोटे छोटे प्रश्न थे, आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करोगे और कॉपी में लिखोगे और परीक्षा की तैयारी करोगे। धन्यवाद बेटा।